गोरखपुर की एक बस नेपाल की मार्सियागढ़ी नदी में गिर गई, जिसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में 14 की मौत हो गई है, इनमें से एक बच्चा भी है, तो वहीं 29 लोग घायल हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी, तभी तनहुन जिले के आईना पहाड़ा में हाईवे से लगभग 500 फुट नीचे नदी में गिर गई। बस में सवार ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के थे, सभी नेपाल घूमने गए थे। नेपाल में भारतीय बस नदी में गिर गई। इस बस में 40 यात्री सवार थे, अधिकतम यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। और ये हादसा पोखरा से काठमांडू जा रही बस के साथ हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत की फिलहाल खबर सामने आ रही है। बस में 40 यात्री सवार थे।